नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों कल हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि एनटीपीसी का जो पिछले दिनों का एग्जाम हुआ है, 8 से 9 दिन का एग्जाम टोटल हुआ था, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है। और मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि आप जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए होने वाला है, ठीक। और ध्यान रखिएगा जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हो ना, उनके लिए वीडियो भी बन रहा है, क्योंकि वो भी देखिए, उनको भी पता चले कौन कौन से टॉपिक है जिनसे अभी प्रश्न बन रहे हैं और उनको उस टॉपिक को इग्नोर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक। टोटल महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिन देखेंगे जिनका भी 10 दिन बाद एग्जाम है उनके लिए यहाँ पे आज सोना मिलने वाला है, कह सकते हैं गोल्डन। आप यहाँ पे देखिए कौन सा टॉपिक आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक। ये जो मैं बताऊंगा इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा। इन टॉपिक को आपको रट के जाना, पढ़ के जाना। कहां से मिलेगा मैं ये भी बता दूंगा, टॉपिक आपको पूरा कहां मिल सकता है, हमारे कुछ पीडीएफ है जिनको ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए, अगर जो आप लोगों ने में से अभी भी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक। अब यहां पे मैंने बोला था पीडीएफ के बारे में, तो स्टैटिक जीके का आपको पता है जो क्वेश्चन है, हम एवरी एग्जाम एवरी हर शिफ्ट के बारे में बात करूं, 6 से 7 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से हर सेट में आए हैं निकल के। 46 टॉपिक है स्टैटिक जीके, आपको पता है ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो ये पीडीएफ ले सकते हो कंप्लीट, आपको कहीं भी बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टैटिक जीके में, ठीक है। ऑल इन वन बुक है, एवरी एग्जाम में आपका काम आएगा, पीडीएफ ही है। और मैथमेटिक्स में बात करें, जिन लोगों को रिविजन करने का टाइम नहीं मिला, कंप्लीट रिविजन करना चाहते हैं 2 से 3 दिन में, तो 500 प्रश्नों की गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए, इसको भी ले सकते हो, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी भी मैं आपको डिस्काउंट वाले प्राइस पे ही दे रहा हूं। साथ में साइंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये भी ले सकते हो, ठीक। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो, अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 का मंथली वाइज करंट अफेयर्स है। इसके साथ में 56 टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा में करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ये भी आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक। आइए देखते हैं टॉपिक पे, जो हमारा मेन मोटो था कि एनटीपीसी का जिनका आगे एग्जाम है वो आगे क्या पढ़कर जाए एग्जाम देने, ठीक। सबसे पहले हम जीके के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में। देखो मैं बार बार आपको एक लाइन बोलता हूं, जो गिर कर समझ जाता है ना, वही अक्सर जिंदगी को समझ जाता है, वही अक्सर सफलता को पा जाता है। गिरते सब हैं, लेकिन आप अगर जो गिरने के बाद उठने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सक्सेस ही नहीं पाओगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, सर मन नहीं करता, ये नहीं करता, मैं फेल हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, यार अभी भी समय है, पढ़ लो, ठीक। ये सारी चीजें निगेटिविटी होती है। अब यहाँ पे हम जीके के टॉपिक को देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जीके के टॉपिक में क्या क्या है। एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बताया, जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी में बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे कराता रहता हूँ, ठीक। सबसे पहले जीके के टॉपिक की आप तैयारी के सोच रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना। देखो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके कंप्यूटर के टॉपिक से आ रहे हैं, कितने, 2 क्वेश्चन, ठीक। 2 क्वेश्चन की मैंने देखा, एक तो आपका फुल फॉर्म से पूछा जा रहा, अभी तक की बात करें HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है, और भी LiFi का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो ये आपके फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, सब आपको पढ़ लेना, और 1 क्वेश्चन नॉर्मल आपका कंप्यूटर से आ रहा है। अब यहाँ पे बात करें कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए आपके अगर जो 10 दिन बाद एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होता है, यूनिट क्या होता है, KB हो गया, किलोबाइट हो गया, MB हो गया, मेगाबाइट हो गया, GB हो गया, ये आपके यूनिट होते हैं जिनको पढ़ के आपको जाना चाहिए, ठीक है। ये तो यूनिट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन हो गए जिसको हमें पढ़ के जाने चाहिए, ठीक।
अब यहाँ पे बात करें और उसके बाद कंप्यूटर के अलावा हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। एक तो हमारा, इसको मैंने अलग कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम के किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जा रहा है। एक तो राज्य राजधानियाँ, राज्य राजधानियाँ अभी तक पूछा नहीं, लेकिन राज्य से रिलेटेड मुख्यमंत्री यानी कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद कर लेना है। राज्यों के जो भी आपके वर्तमान में बात करें, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है सभी का, ठीक। उसके बाद देश, प्रमुख देश, उनकी राजधानियां, ठीक। और वहां के प्रमुख, वहां के प्रमुख क्या, किसी किसी कंट्री में अमेरिका की बात कर लेते हैं, वहां के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। भारत में बात करें, प्रधानमंत्री भी याद रखना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति भी याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान का क्या प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री पूछा जाता है, राष्ट्रपति पूछा जाता है। तो जो प्रमुख होते हैं तो वो आपको याद करना है। अब ये तो यहां से एक दो क्वेश्चन आपको, ये आपको रट के जाना 100%। इसका प्रश्न आए तो जीके में आपको छोड़ना नहीं है। जीके में बात कर रहा हूं ना, अगर जो 25 कर लेते हो ना, तो जान लो आपका एग्जाम क्रैक होना पक्का है, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत ही सिंपल आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपका कहां से पक्का हो सकता है, आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़ के जाना, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ के जाना, ठीक। पीडीएफ में सारे टॉपिक मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं जो मैं बता रहा हूं, कहीं पे एक्स्ट्रा खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्यों के लोक नृत्य, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा, अभी कल वाले एग्जाम में पूछा गया था। प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर, करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिलेगा, इससे आपके एक प्रश्न बन रहे हैं, ठीक। अगर जो हम बात करें, यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी बॉडीज हैं, उनके फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर ये देख लेना, कौन क्या है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। मंदिर, प्रमुख मंदिर, अभी मंदिर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक। तो ये सारे, टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, मंदिर हो, ये आपको स्टैटिक जीके के पीडीएफ में टॉपिक मिल जाएंगे। प्रमुख युद्धाभ्यास, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो एक क्वेश्चन देखने को मिला है यहां से। झीलें और नदियां इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। रेलवे स्टेशन प्रमुख, एयरपोर्ट, बहुत सारे रेलवे स्टेशन नए बने हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रमुख एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे नए नए बने हैं, कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित है, क्या क्या एयरपोर्ट के नाम चेंज हुए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है। बुक्स और उनके राइटर, और सेंसस में आपको 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना अभी तो पढ़नी है, क्योंकि अगली जनगणना कब होगी, 2021 में होगी, खैर अभी तो हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बने हैं, बन चुके हैं अभी तक एग्जाम में, ठीक। अभी साक्षरता दर पूछा था, तो ये भी तो आपका जनगणना का ही टॉपिक है, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे, करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज आपको पढ़ के जाना है, और अदर जो प्राइज होते हैं खेल से रिलेटेड हो गया, ये आपको पढ़ के जाना है। इंडेक्स 2020-21 का, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे क्वेश्चन बने भी है। प्रमुख मोबाइल ऐप्स, स्पेशली बात करें कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग ऐप बनाया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक। प्रमुख योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अभी तक मिला है, ठीक। गेम्स से हो गया, आईपीएल से देख सकते हो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, ये सारे क्वेश्चन यहाँ के बन रहे हैं गेम्स से। गांधी जी तो छाए हुए हैं, गांधी जी छाए हुए हैं, कल मैंने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 पेज मैंने भेजे थे गांधी जी से रिलेटेड, जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं उसको आप रट लेना, ठीक, वहां से आपका कवर हो जाएगा जितने भी गांधी जी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो गांधी जी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं, गांधी जी कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कहां कहां पे भाग लिए थे, उनके प्रमुख आंदोलन, ये आपको पढ़ लेने हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, प्रमुख एक्ट, ठीक, ये आपका पॉलिटी से हो गया, प्रमुख एक्ट हो गया और आंदोलन, सॉरी हिस्ट्री से है, प्रमुख एक्ट और आंदोलन, और भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, ये आपका पॉलिटी का हो गया, प्रमुख भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, यही आपका संविधान से पूछेगा। और एक और अभी आगे क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, अभी तक बना नहीं है, संविधान के स्रोत किस देश से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, आगे क्वेश्चन 100% यहां से बनेगा, ठीक। देखो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, ठीक, लाइक करके शेयर कर देना कम से कम 2 लोगों को। यहाँ पे बात करें और कुछ टॉपिक आपके बन सकते हैं, जैसे राम मंदिर का, 3 तलाक से, सबरीमाला मंदिर से एक क्वेश्चन बन चुका है,
कृषि बिल, जीएसटी, सीए एनआरसी का फुल फॉर्म पूछ चुका है, जीएसटी का भी पूरा नाम पूछ चुका है, आगे कृषि बिल, राम मंदिर, तीन तलाक, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जीके का टॉपिक, करंट अफेयर्स का टॉपिक। अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। देखो साइंस में एक काम कर लेना, हमारा पीडीएफ के बारे में मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला बात, आप उस साइंस के पीडीएफ को लेके रट डालो, वन लाइनर क्वेश्चन है, रटना ही रटना है। इसके अलावा अभी के एग्जाम में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन रहा है। पीरियोडिक टेबल अभी तक तो बना नहीं, एक दो क्वेश्चन बना है, लेकिन आगे के लिए पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्जाम की बात करें जितने हुए, साइंस से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गए थे अभी 8 तारीख वाले एग्जाम में, ठीक। लेकिन आपको ऐसा नहीं है छोड़ देना है, पढ़ के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, केमिकल नेम, ह्यूमन ब्रेन, ब्लड और बोन, यानी कि ब्रेन को भी पढ़ना है, ब्लड से भी पढ़ना है, बोन से भी पढ़ना है, ठीक। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन बन रहा है, यूनिट से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। विटामिन एंड डिजीज से क्वेश्चन पढ़ना है, विभिन्न भागों का अध्ययन, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ लेना है। और जो पीडीएफ के बारे में मैंने डिस्कस किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको लेके रट डालना है। अब ये 3 चीज आप पढ़ लो जीके के लिए, स्टैटिक जीके, साइंस और करंट, अब ये 3 हमारा पीडीएफ जरूर पढ़ना। जो भी टॉपिक मैंने बताया ये आपको छोड़ना नहीं है। अब आइए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ ना रीजनिंग का, ये अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक से 22 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बने हैं। बाकी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारे तो चले ही चले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे के एग्जाम में आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अभी कल वाले टॉपिक में, कल सेकंड शिफ्ट या परसों, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बच्चे ने बोला कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कैलकुलेशन से 7 क्वेश्चन आ गए थे। अब बताओ ऐसा हो रहा है कि एक एक टॉपिक से उठा के भर भर के प्रश्न दे दे रहा है। पजल से क्वेश्चन आ रहा है, पजल आप प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, इसलिए पजल को लास्ट में करना एग्जाम में। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहा है, ब्लड, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ के नहीं जाना, आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ये कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जिनको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में बात करें, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एससीएफ, SICI का डिफरेंस से बहुत क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंस वाला, ठीक। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन हो गया, एडवांस में से 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रा भी आपका पूछा जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि बहुत ही सिंपल जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, ठीक। बुक बात करें, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन बन रहा है, टाइम एंड वर्क आप देख सकते हो, स्क्वायर एंड क्यूब आप इसको याद करना पड़ेगा, 20 तक क्यूब याद कर लेना और आपका 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी देख लेना, और एवरेज यानी कि औसत से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो हो गया मैथमेटिक्स की बात, हमने रीजनिंग की बात की, हमने किसकी बात की, जीके की बात की, करंट अफेयर्स की बात की, साइंस की बात की। आशा है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी ले सकते हो, ठीक, इसकी भी ले सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं सेंड कर दूंगा ये वाला पीडीएफ पूरा, आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। और इंस्टाग्राम हमारा है, ये 1 हटा देना, आपको इंस्टाग्राम में क्या सर्च करना है, एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु सुधीर, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वन लाइनर क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, जिनको आप डेली वाइज पे पढ़ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम में फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, और डेली आपको वीडियोज यहाँ पे मिलती रहती है और मिलती रहेंगी। तो इस पीडीएफ के बारे में मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, इनको भी ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी हम डिस्काउंट प्राइस पे दे रहे हैं। चलिए वीडियो का ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।